signs of hearing loss what are the signs that uh, show the hearing loss or hearing issue when students are sitting in the classroom they always you know show these signs and uh, teacher can uh, easily identify their hearing loss or hearing issue when they are looking uh, again and again towards their class fellows to ask them uh, different questions or they are asking uh, questions uh, from uh,

या वो अपने कान को यूं करके सुन रहा है या फिर वो अपने क्लास फैलो से पूछ रहा है तो आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि जब वो आपकी बात सुन रहे होते हैं तो एकदम से कान को ऐसे आ, करते हैं हाथ से इसका मतलब ये है कि उनकी हयरिंग जो है थोड़ी वो इम्पेयर है जिस वजह से ये वाले साइन उनको करने की ज़रूरत महसूस हो रही है उसके बाद राइटिंग ऐशूज़ होते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स कैन नाट यू नो अंडरस्टैंड वेल देर टीचर्स इंस्ट्रक्शन

अब स्लो राइटर्स जो हैं वो और भी किसी इशू की वजह से हो सकते हैं हो सकता है दे स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन द लेक्चर सो दे आर राइटिंग स्लो एंड मे बी देयर हैबिट इज़ टू राइट स्लो तो इन सारे इशूज़ के दरम्यान में से ये देखना कि ये हेरिंग लॉस है या हेरिंग एम्पेयरमेंट है ये एक ट्रेन टीचर जो है उसको अंदाज़ा हो सकता है क्योंकि ये बच्चे अगर माइल्ड और मॉडरेट हेयरिंग लॉस के साथ हैं तो इनको आम क्लासरूम में बाकी बच्चों के साथ इंस्ट्रक्ट किया जा सकता है लेकिन अगर स्वियर इनका हेयरिंग लॉस है तो फिर ये जो है ये स्पेशल स्कूल्स में इनको एडजस्ट किया जाता है जहाँ पे टीचर्स जो हैं वो साइन लैंग्वेज की मदद से या फिर आ, किसी स्पेशल ट्रेन डिवाइसेस की मदद से इनको टीच करते हैं लेकिन जो साइंस हैं इनके आ, वो इनके बज़ाहिर जो ऑबियस हैं घर के अंदर और स्कूल के अंदर वो यही है कि आप घर में भी जब पेरेंट्स इनको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ये उनमें से आधी चीज़ आधी इंस्ट्रक्शन जो हैं उनको फॉलो करते हैं और आधी को फॉलो नहीं करते इसी तरह से बहन भाइयों के दरम्यान भी ये हो सकता है इनको कोई आधी बात समझ आई हो तो ये अग्रेसिव हो जाते हैं और उसके बाद ये इस तरह का रिएक्शन शो करते हैं जो कि एग्रेसिव होता है लेकिन हो सकता है कि वो उनकी हेरिंग एम्पेरमेंट की वजह से वो बात उन तक पूरी पहुँची ना हो फिर बाजात ब्रेन uh, डिसफंक्शनिंग होती है और उसमें जैसे एक लर्निंग uh, डिसेबिलिटी है डिसलेक्सिया तो डिसलेक्सिया में ब्रेन डिसफंक्शनिंग की वजह से बच्चों को पूरी बात जो है वो समझ नहीं आती जिसकी वजह से वो पूरा रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते तो मल्टीपल इश्यूज जो हैं वो हेरिंग लॉस जो है उसको हम जोड़ सकते हैं कि बच्चे अगर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते उनके फेशियल एक्सप्रेशंस आपको ये शो करते हैं कि उनको एक चीज़ की समझ नहीं आ रही तो उसके पीछे ब्रेन डिसफंक्शनिंग भी हो सकती है और हेरिंग लॉस या है हेरिंग भी हो सकती है और इसके अलावा और भी कई जो इश्यूज़ हैं वो हो सकते हैं तो फिर जो साइन है इसका हेयरिंग लॉस का वो सिर्फ ये नहीं है कि वो ऊंचा सुनते हैं इसके साथ जो इनकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है वो भी डिस्टर्ब होती है और ये एक्सप्रेस करने में भी इतने अच्छे नहीं होते क्योंकि जब ये प्रॉपर सुनते नहीं हैं तो फिर ये प्रॉपरली एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते तो ये दो जो मेन साइंस हैं इनके हेयरिंग इम्पेयरमेंट के कि दे आर नाट लिसनिंग प्रॉपरली एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली तो रिस्पॉन्ड प्रॉपरली जो करना है उसके पीछे भी बच्चे जो हैं प्रॉब्लम का जो है वो इजहार कर सकते हैं सो so, इसलिए इन तमाम साइंस को एक टीचर को क्लास में ऑब्ज़र्व करना चाहिए क्लिनली और उसके बाद इन बच्चों को उसके सवेरिटी के अकॉर्डिंग जो है क्लास में इनके लिए एडजस्टमेंट करनी चाहिए अगर वो आम बच्चों के साथ क्लास में पढ़ रहे हैं तो so, इन साइंस को जो है घर में भी पेरेंट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए सेंसरी इम्पेयरमेंट जो है वो विजन इम्पेयरमेंट भी हो सकती है और उसकी हेरिंग अम्पेयरमेंट भी हो सकती है तो जब बच्चे ये वाले साइंस शो करें घर में या स्कूल में तो पेरेंट्स और टीचर्स को फ़ौर से इसका नोटिस लेना चाहिए और इनको प्रॉपरली जो है वो डॉक्टर से चेक कराना चाहिए जो डिफरेंट डिवाइसेस के साथ इनकी इम्पेयरमेंट को चेक कर सकते हैं